नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार अपनी इस वीडियो में ऑफ करंट एजुकेशनल सिनेरियो पार्ट 11 में सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस सीरीज को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों तक शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, आप लोगों तक पहुँचाते हैं। तो अपनी इस वीडियो में आज मैं कुछ और फुल फॉर्म्स के बारे में बात करूंगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं प्रीवियस दो वीडियोस में कुछ फुल फॉर्म्स डिस्कस कर चुका हूं, तो इस वीडियो में भी जो बाकी बची हुई फुल फॉर्म्स है आई विल डिस्कस अबाउट देम विद यू ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, जिसमें आज हम सबसे पहले बात करेंगे रिलेटेड टू शगुन। शगुन इट इज, इसका फुल फॉर्म है शाला एंड गुणवत्ता। नेक्स्ट इज टेस। टेस का फुल फॉर्म है टीचर एजुकेशन थ्रू स्कूल बेस्ड सपोर्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीईआई। टीईआई है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट हम बात करें यूडीआईएसई। इसका फुल फॉर्म है, थोड़ा सा बड़ा फुल फॉर्म है इसका, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। नेक्स्ट हम बात करें एनईपी, ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट हम बात करें एनएसआईजीएसई। इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट हम बात करें NMMSS। इसका फुल फॉर्म है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। नेक्स्ट है CFTI। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट है नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है इसमें ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। नेक्स्ट इसमें SCERT। इसका फुल फॉर्म है State Council of Educational Research and Training। नेक्स्ट है NAEP। तो इसका बच्चों फुल फॉर्म है National Adult Education Program। नेक्स्ट हम बात करते हैं EQUIP। तो इसका फुल फॉर्म है एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। नेक्स्ट है PMRF। हो सकता है कि आप लोगों को पता भी हो काफी सारी फुल फॉर्म्स इनके भी इनमें से, बट आई विल डिस्कस ऑल ऑफ देम विद ऑल ऑफ यू। तो PMRF का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप। नेक्स्ट हम बात करें AAS। तो इसका है एनुअल अचीवमेंट सर्वे। नेक्स्ट हम बात करें EBSB। तो इसका फुल फॉर्म है एक भारत श्रेष्ठ भारत। फिर नेक्स्ट हम बात करें DLED की, तो इसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। नेक्स्ट वी इफ वी टॉक अबाउट दिस एरिया, तो इसका फुल फॉर्म है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट।
नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट दिस डाइट, तो इसका है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. नेक्स्ट इज ओबीबी, दिस इज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो कि 1987 में शुरू किया गया था, जिसका बारे में पहले बात कर चुका हूं. वैसे देखिए नेक्स्ट है दिस पीसा प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट. फिर नेक्स्ट बात करें केवीएस, तो केवीएस का फुल फॉर्म होता है, मुझे लगता है आप लोगों को, बहुत से लोगों को पता भी होगा, इसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन. नेक्स्ट इज एनवीएस, दिस इज नवोदय विद्यालय, विद्यालय समिति. एनकेसी इज नेशनल नॉलेज कमीशन. और लास्ट वाला है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. ओके, तो ये कुछ फुल फॉर्म्स थी जो बाकी बची हुई थी, जिनके बारे में आज मैं डिस्कस कर चुका हूं. लेकिन अगर कुछ और भी फुल फॉर्म्स होंगी तो आई विल डिस्कस देम इन लेटर वीडियोस. टिल देन यू स्टे अपडेटेड विद BW कैंपस. Never give up.